हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। तो काफ़ी लोगों के डिमांड पे हम लोगों ने फिर से एक बार ऑनलाइन सीरीज़ को शुरू किया है हमारा, ठीक है, ताकि लोगों को लॉकडाउन में जो है वो बेनिफिट मिल सके और आप लोग सुरक्षित घर पे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग की ये पुनः वापसी जो है आप लोग उसी तरीके का प्यार बरसाएंगे जिस तरीके का आप लोगों ने पहले भी दिया था हम लोगों को, ठीक है। अब का हमारा जो सेशन होने वाला है वो पहले के हमारे सेशंस कैसे होते थे कि वो कम्प्लीटली मेंस को पॉइंट आउट करते हुए होता था, अब जो है हम लोग थोड़ा इक्वल बैलेंस लेके चलेंगे ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी न्यू आए हैं और जो थोड़ा कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स भी आपको अब ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा आज का जो सेशन है वो प्रीलिम्स का है और आप लोग जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ पे एकदम क्लियर इंडिकेशन होगा कि वो प्रीलिम्स को पॉइंट आउट करते हुए है या फिर मेंस को पॉइंट आउट करते हुए है, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो है टाइम एंड वर्क से, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा सेशन को कि सेशन में क्या क्या मैंने किन किन सवालों को पिक किया है और कितना जल्दी मैं उन सवालों को करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है, और क्या क्या कन्फ्यूजन होता है, एक माइनर सा कन्फ्यूजन जो पीटी में क्रिएट हो सकता है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, देखो कैसे कन्फ्यूजन यहाँ पे जनरेट होता है ये चीज़ को यहाँ पे समझो, ठीक है। बोल रहा है ए और बी टुगेदर कैन कम्प्लीट अ जॉब इन 16 डेज, ठीक है। ए और बी ने किसी काम को 16 दिन में करते हैं टुगेदर, ठीक है, मिल के 16 दिन में, अकेला नहीं, ठीक है। बोथ बी एंड सी, जैसे ये लाइन मिलता है ना हमारे दिमाग में एकदम तुरंत शुरू हो जाता है कि भैया बी प्लस सी होने वाला, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये बी प्लस सी नहीं, यहाँ पे क्या है भैया, तो फिर आइए देखते हैं फिर क्या है, ठीक है। देखो क्या है, बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम जॉब इन 12 डेज, वर्किंग अलोन, अलोन का मतलब अकेले अकेले, ठीक है, यानी कि बी अकेले 12 दिन लगाता है और सी भी अकेले जो है वो कितना दिन लगाता है, 12 दिन। हम लोग यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं जो कि क्या होगा 38, 48, ठीक है, 16 से 3 बार में, 12 से 4 और 4 बार में। एक कहानी और भी है इस सवाल की, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोल रहा है, ए बी कमेंस द वर्क ऑन द जॉब, ए बी ने काम शुरू करा, ठीक है, तो ए बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, एंड वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिनों तक काम करा देना है, आगे कौन काम करेगा, वेयर अपॉन ए लिव्स, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, B continues for 2 more days. B अकेले 2 दिन तक काम करते, तो भैया B की efficiency 4, 2 दिन तक काम करेगा यानी 4 × 2, ठीक है। Then he leaves to, उसने भी छोड़ दिया, अब उसने छोड़ दिया तो कौन काम कर रहा है, C now starts, C ने काम शुरू किया, C की efficiency 4, and working finish the job, काम को खत्म कर देता है, how many days will C require, C ने कितने दिनों तक काम किया ये बताना है, तो C ने मान लो X दिनों तक काम किया और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 48 काम जो है खत्म हो गया। किसी भी टाइम एंड वर्क को बनाने के लिए तुम्हें एक चीज हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि इफिशियंसी इनटू टाइम जो होता है वो होता है हमारा टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क होता है हमारा, और यही फॉर्मूला जो है हम लोग आगे लेके जाएंगे पूरे सवाल को बनाने, अब बस इसे सॉल्व कर दो। अब देखो सॉल्व भी करना है एकदम तेजी में करना है, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 12 × 8 = 20, 48 में 20 चला गया यानी कि 28, यानी 4x की वैल्यू 28 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी, 28/4 यानी कि कितना हो गया, 7, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया भैया 7 डे, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हुए चले जाएंगे, ये सब कंफ्यूजन में जो है हम लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या, हाँ इसमें एक चीज और ध्यान में रखो, मैं क्या बोलने वाला था, इसमें एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पे देखो ए और बी का एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, और बी का 4 है, अलोन बी का 4 है, तो ए का जब निकालोगे तो ए का माइनस में 1 चला जाएगा हमारा, ठीक है, ए का जब तुम निकाल रहे हो तो ए का तुम्हारा क्या चला जाएगा, माइनस में 1 चला जाएगा। तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है कि ए काम बिगाड़ रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है, सवाल में जैसा बोला गया मैंने वैसा करते चला गया, मेरा आंसर आ गया, दैट्स इट, बस इतना ध्यान में रखना, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ए काम कर ही रहा है, ठीक है, हो सकता है कि ए काम बिगाड़ भी रहा हो, ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना, इससे ज्यादा बड़ा लोड लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल देखो क्या, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज, बहुत ज्यादा दिन है, ठीक है, अक्सर हम लोग जो है ये सब 120 डेज वगैरह देख के जो है घबरा जाते हैं, और वहीं पे बोला बी जो है उसी काम को करता है कितना दिन में, 150 दिन में, ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, भैया इतना हो गया खत्म, अब यहां से हम लोग जो है टोटल वर्क मान लेते हैं 600, ठीक है, तो 12 × 120 = 5, 150 × 4 बार, दोनों ने 20 दिन तक काम किया। देखो आज का जो सेशन हम लोग का होने वाला है, अगर तुम यहाँ पे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज का जो सेशन होने वाला है हम लोगों का
उस सेशन में खास करके क्या होगा हम लोगों का, कि जितने भी चीजें हम लोग अभी देखेंगे वो सारा जो है वो छोड़ने और पकड़ने से रिलेटेड होगा, ठीक है, सारा कुछ छोड़ने और पकड़ने से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। और इसी तरीके छोटे 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 सेशन आएंगे जिससे तुम बोर भी नहीं होगे। अब देखो इसमें क्या करना है, ये चीजें तुम्हें दिमाग में करनी है, मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। क्या बोला, ए और बी ने साथ 20 दिन तक काम करा, ठीक है। तो हम लोग भैया यहाँ पे क्या बना लिए, ए और बी। ये आगे के ऐसे कितने भी सवाल आते हैं उसमें तुम्हें ये आसान करके देगा, ठीक है। यहाँ चाहो तो मैं ऐसे भी डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ कि ए और बी ने 20 दिन तक काम करा, तो भैया 5 और 4 9 की इफिशियंसी से इसे मैंने 20 दिन तक काम करा लिया, ठीक है। देख लो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या बोला हमारा, देन ए लिव्स बी कंटिन्यूस फॉर 12 डेज, तो बी ने 4 दिन 12 दिन तक काम करा, तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, ये 4 गुने में मैंने लिख दिया 12, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर दैट सी ज्वाइंस, इसके बाद सी ने ज्वाइन करा, तो सी ने ज्वाइन करा मतलब क्या हो गया, बी छोड़ा नहीं है अभी, ठीक है। तो मतलब आगे जो हमारा काम करेंगे वो कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। तो जब बी और सी करेंगे तो बी की इफिशियंसी 4, सी की नहीं मालूम तो सी की मान लेते हैं सी। और इन्होंने कितना दिन तक काम किया, 48 दिन तक काम किया, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, 600 हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और इक्वेशन तुम यहाँ पे देख लो, समझ लो, आगे काम दे। एक लाइन ग्राफ से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ए बी ने काम करा, ए ने उसके बाद छोड़ दिया, तो फिर किसने काम करा, बी ने काम करा 12 दिन के बाद, तो 12 दिन तक ये तो अकेला काम करा ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सी ज्वाइंस द वर्क एंड कंप्लीटेड इन 48 मोर डेज, सी ने ज्वाइन किया, बी ने छोड़ा तो नहीं, मतलब आगे जो काम हो रहा है वो बी और सी का हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, बी ने यहाँ 20 दिन काम करा, यहाँ 12 दिन और यहाँ 48 दिन, तो बी ने कितना काम करा, बी ने काम करा 80 दिन, ठीक है। जोड़ लो 48 12 60 और 20 80, तो 4 गुने में कितना हो गया, 80। ए ने काम करा 20 दिन, तो 5 गुने में कितना हो गया, 20। और सी ने 48 दिन, तो सी की इफिशियंसी सी, और ये भी हो गया 48, बराबर में क्या हो गया, 600। किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो हम लोग इसी को करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो आसानी से हो जाना है, 8 80 गुने 4, ऐसा नहीं है कि ये भी नहीं होगा, ये भी आसानी से इसी पे हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि आगे के सवालों में ये तुम्हें बहुत आसान करके देगा। 80 गुने 4 320, और यहाँ से हमारा 20 गुने 5 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 320 और 100 कितना हो गया, 420। 600 में जब 420 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 180, यानी कि C की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 180/48, ठीक है। बस हम लोग इतना भी करके रखेंगे, ठीक है। अब हमने सवाल में क्या पूछ रखा था, इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू इट अलोन, सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हमें क्या निकालना है, सी का टाइम निकालना है, तो सी का टाइम निकाल दो। टाइम कैसे निकलेगा हमारा, 600 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 180, और यहाँ 48। बस 6 से काट दो 3 बार में, 6 से काट दो 10, 3 से काट दो 16 बार में, यानी कि कितना दिन हो गया, 160 डे, दैट्स। और हमारा इसी के साथ 160 दिन जो है हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, और 160 दिन हमारा क्या है, आंसर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, नन ऑफ दीज हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, रमेश कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, ठीक है। रमेश 20 दिन में खत्म करता है, ही वर्क फॉर 10 डेज अलोन, ठीक है। चलो इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो देखो इस सवाल में क्या है हमारा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग भाषा को अब समझेंगे, ठीक है, कि कैसे हमें सवाल को आसानी से करना है। एक सेकंड, ही वर्क फॉर 10 डेज, भैया जब 20 दिन में पूरा काम तुम कर ही ले रहे हो, 10 दिन तुमने कर लिया, तो तुमने काम छोड़ा कितने दिनों का, तो 10 दिन का काम छोड़ा। अगर रमेश की इफिशियंसी हम आर मान लेते हैं और उसने 10 दिन का काम छोड़ा, मतलब इतना काम मेरा अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग जॉब जो है वर्किंग विथ दिनेश, बचा हुआ काम कौन था, यही था ना। अब इसको किसके साथ कर रहा है, दिनेश के साथ कर रहा है, मतलब अब कौन कौन काम करेगा, रमेश और दिनेश दोनों की इफिशियंसी नहीं मालूम है, तो हम मान लिए आर और डी, कितने दिन में किया, 2 दिन में, तो 2 दिन में तो बचा हुआ काम कंप्लीट हो गया ना, तो कंप्लीट हो गया तो दोनों क्या हो गया, बराबर। 10 आर और यहाँ 2 आर कितना हो गया, 8 आर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 डी, यानी आर बटे डी जो हो जाएगा वो हो गया 1/4, ठीक है। अब क्या बोला सवाल में, अब ये देख लो, हाउ मेनी डेज वुड बोथ दिनेश एंड रमेश टूगेदर टेक टू कम्प्लीट द एंटायर जॉब, पूरे काम को रमेश और दिनेश कितना दिन में करेंगे ये बताना है। तो यहाँ से देखो, पहले टोटल काम निकाल लो, डायरेक्ट आंसर हम लोग
दे सकते हैं। टोटल काम निकाल लो, टोटल काम कितना हो जाएगा 20 × 1, क्योंकि रमेश की इफिशियंसी 1 है और इसने 20 दिन लगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इफिशियंसी अभी मैंने तुरंत बताया था, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क, अगर रमेश का इफिशियंसी तो रमेश का टाइम, ठीक है, लेकिन टोटल वर्क सबका इक्वल हुआ, ठीक है, ये याद रखना। अब यही काम को कौन करेगा, यही काम को करेगा रमेश और दिनेश मिलके, तो 5 से काट दोगे तो कितना बार में, 4 बार में हो गया हमारा 4 दिन, आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4 दिन सेवा समाप्त, ठीक है। अब अगला सवाल जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो सवाल काफी आसान है, इसी पे बेस्ड इसके अगला एक और सवाल आने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, बहुत ही आसान है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन मैं तुम्हें सिर्फ बताने जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 होल 1/2 आवर्स, ठीक है, इसको हम लोग शायद बोल सकते हैं 9/2 आवर। बी एंड सी इन 3 आवर, बी एंड सी जो है वो कितना देर में करता है, 3 आवर में, ठीक है। सी एंड ए वर्किंग टुगेदर डू इट इन 2 होल 1/4 आवर, सी और ए जो है दोनों मिल के कितना दिन में करता है, 9/4 आवर में, ठीक है। All of them begin the work, सभी लोगों ने काम शुरू किया। चलो यहाँ से हम लोग जो है टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क 9 हो जाएगा। देखो जब भी फ्रैक्शन में आता है ना तो उनका एलसीएम हम लोग क्या लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाले का, यानी कि 9, 3 and 9 का, 9, 3 and 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9। अब इसको डिवाइड देना है तो 9 से 9 तो कट जाएगा तो बचा क्या, 2। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 9 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, All of them began the work at the same time, सभी लोगों ने काम साथ में शुरू किया, find in how much time they will finish the work, इस सारे काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा, तो तीनों मिल के ना, तो तीनों मिल का efficiency चाहिए। अब अगर तुम देखो कि ये है A और B का, ये है B और C का, ये है C और A का, जब तुम इन सब को add करोगे तो सब देख रहे हो दो दो बार है, ठीक है। मतलब अगर हमको इंडिविजुअली A प्लस B प्लस C चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, 4, 2, 6, 3, 9 और बटे में कितना, 2, दैट्स इट, यानी कि 9/2। अब यही 9/2 से यहाँ डिवाइड दे दो, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, हो गया हमारा आंसर 2 डेज, आंसर बी। अब इसी में कभी कभी पूछ देता है ए के द्वारा बी के द्वारा, तो देखो ए बी सी का जो है वो 4.5 निकल गया, ठीक है। अब अगर तुम्हें ए का इफिशियंसी पे जाना है, चाहे बी के पर्टिकुलर इफिशियंसी पे, चाहे सी के पर्टिकुलर इफिशियंसी पे जाना है, ठीक है, तो देखो ए ये तो टोटल है ना तुम्हारा, अब तुम्हें ए पे जाना है तो तुम ऐसा खोजो बी और सी कहाँ है, बी और सी क्या है तुम्हारा, 3, 4.5 में 3 घटा दोगे तो ए निकल गया 1.5। तुम्हें बी चाहिए तो खोजो ए और सी कहाँ है, बी चाहिए तो क्या खोजना है, ए और सी, ए और सी यहाँ है यानी कि 4, यानी बी की इफिशियंसी हो गई 0.5, ठीक है। तुम्हें सी चाहिए तो सी चाहने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ए और बी खोजो, ए और बी जब खोजोगे तो ए और बी कितना है तुम्हारा, 2 है, यानी सी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 2.5 हो गई, इफिशियंसी निकल गया। जैसा भी सवाल आए घुमा के आए, जितना भी घुमा के आए आसानी से बना के तुम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, उसी टाइप पे बेस जैसा मैंने अभी बताया, अब उसी पे छोड़ने और पकड़ने से, मैंने क्या बताया था अभी सेशन जो है वो छोड़ने और पकड़ने वाला, उसी पे छोड़ने और पकड़ने वाला सवाल कैसे डील करेंगे ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ए और बी मिल के जो है वो कितना दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली बी और सी मिल के कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं, और सी और ए मिल के कितना दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ये सारा हमारा यहाँ पे दिए हुए है, 10 दिन 15 दिन सी ए मिल के 20 दिन, ठीक है। टोटल काम हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, टोटल काम 60 हो जाएगा, 6, 4 और 20 से 3 पर, दैट्स इट। अब यहाँ के बाद देखो क्या बोल रहा है, दे ऑल वर्क एट इट फॉर 6 डेज, सारे लोगों ने 6 दिन तक काम किया। अभी मैंने बताया था सारे लोगों का इफिशियंसी कैसे चाहिए, सारा इफिशियंसी जोड़ दो उसको 2 से डिवाइड दे दो, ठीक है। तो 6, 4, 10, 13, 6, 4, 10, 10 और 3 कितना, 13, यानी 13/2 सारे लोगों का इफिशियंसी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, ठीक है। अभी इन्होंने कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देन ए लिव्स, ए छोड़ देता है, ए छोड़ देता है, लेकिन बी और सी तो करता ही है, बी एंड सी गो ऑन टूगेदर फॉर 4 डेज, तो बी और सी देखो कितना है, बी और सी है 4, तो 4 की इफिशियंसी से इसने कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। इसके बाद बोल रहा है इफ बी देन लिव्स, इसके बाद बी छोड़ देता है, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू कम्प्लीट द वर्क, सी अकेले कितना दिन में कम्प्लीट करेगा। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सी का अकेला चाहिए। मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे सी चाहिए तो ए और बी वाले को खोज लो, ए और बी वाला कितना है, 6 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 0.5, 6 जब घटेगा तो,
है ना। 0.5 को शायद हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 और इसने x दिन तक काम किया और टोटल कितना काम हो गया, 60 काम। काट दो, 2 से 3 बार में, ये गुना में सॉरी, 4 × 4 = 16, 13 × 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 39। ठीक है, जब तुम्हारा 39 यहां से हो गया, 39 और यहां से 16 हो गया, तो 39 और 60 कितना हो जाना है तुम्हारा, 55 हो जाना है। ठीक है, 1/2x = 60 में जब 55 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 डे निकल के आ गई। हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया, 10 days। ठीक है, तो कितना ही आसान सा सवाल था, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो ट्विस्ट करता हुआ आएगा तुम्हारे सवाल में। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी वो ट्विस्ट करता हुआ आएगा तो तुम कैसे ट्विस्ट को झेलोगे, ये सब चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो और देखते हैं एक दो सवाल। अब देखो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला हमारा क्या बोल रहा है, देखो यहाँ बोल रहा है ए बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 40 days। बिल्डर ने फार्म हाउस को कितना दिन में बनाने का सोचा, 40 दिन में बनाने का सोचा। ठीक है, देखो इस सवाल का कितना एकदम एक लाइन का सॉल्यूशन, ठीक है, एक लाइन का मैं बता रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें कुछ करना ही नहीं। ही इम्प्लॉयड 100 men इन बिगिनिंग, 100 आदमी शुरुआत में। बस लैंग्वेज को समझो कि बिल्डर ने 40 दिन सोचा कि 40 दिन में मेरा काम जो है वो खत्म हो जाना है, उसने 100 आदमी को लगा दिया। ठीक है, 100 more after 35 days, 35 दिनों के बाद 100 आदमी और लगा दिया, यही किया ना। अब देखो क्या बोल रहा है, एंड कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, और काम जो है खत्म हो गया समय पे। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे यहाँ पे, आगे देखो, आगे पहले पढ़ लो सवाल में क्या बोल रहा है। इफ नो एडिशनल मैन वुड हैव बीन एम्प्लॉयड, अगर ये 100 और बंदे जो है ये नहीं एम्प्लॉयड होते तो कितना दिन का मुझे डिले होता, ये बता दो मुझे। ठीक है, अच्छा ये डिले क्यों आया, मेरे को ये चीज समझाओ, क्यों आया है डिले, क्योंकि ये 200 बंदे यहां ये 5 दिनों तक काम करती है। ध्यान से समझना, ये 200 बंदे ने 5 दिनों तक काम किया, इसके वजह से ये डिले जो है ये टल गया। ठीक है, ये डिले जो है ये टला, ये किसके वजह से टला, ये 200 बंदे 5 दिन तक अंतिम तक काम किए इसके वजह से। ठीक है, अब हमें क्या जानना है कि अगर 100 बंदे ही काम कर रहे होते तो कितना दिन का डिले होता। ठीक है, तो कितना दिन का डिले होता, मान लो ए दिन का डिले होता। ठीक है, अब ये 100 बंदों का कंपैरिजन तो भैया उन्हीं 5 दिन के रेस्पेक्ट में करना है ना, ये 5 दिन तक तो वो 100 बंदे करेंगे ही। ठीक है, और 5 दिन से कितना ज्यादा अब लेंगे ये तुम्हें बताना है, तो 5 दिन प्लस में ए डेज ज्यादा, बस इतना कर दो, हो गया हमारा, 100 से कट गया कितना बार में, 2 बार में, 5 × 10, ए का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, हो गया हमारा आंसर ए, 5। ठीक है, अब इसे जैसे याद करना है याद कर जाओ, ट्रिक के रूप में याद करना है कि दोनों दिन का अंतर के साथ ए लगा दो स्टार्टिंग वाले आदमी, एडिशनल जितना भी लगाया, और फिर से दोनों दिन का अंतर, बस इतना ही करना है, आसानी से तुम्हारा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बस ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अगला सवाल को जो है तुम पॉज करोगे और उसके बाद बनाओगे। ठीक है, अपने से पहले से अटेम्प्ट नहीं लेना है, पहले सवाल को पॉज करो और कोशिश करो कि ये तुम्हारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखना, अगर नहीं बन रहा है, बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर जो है तुम्हारा 15 दिन है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, अब देखो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल मैं बोल रहा है राम डिसाइडेड टू प्लो अ फार्म फील्ड इन 50 दिन, 50 दिन में उसने कंप्लीट करने का सोचा। ही एम्प्लॉयड 50 men इन द बिगिनिंग, 50 आदमियों को शुरू में लगाया, तो भैया ठीक है 50 आदमी आपने लगा दिया। अब आगे देखो क्या, सेम सवाल है। ठीक है, 50 more after 35 days, 50 आदमी और 35 दिनों के बाद। ठीक है, मतलब टोटल कितने आदमी हो गए, 100 आदमी हो गए। ठीक है, 50 दिन में सोचा था 35 दिन, दोनों का अंतर कितने का, 15 दिन का, तो यहां 15 कर दो। बोल रहा है इफ वी हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, सेम सवाल है, हाउ मेनी डेज शेड्यूल से ज्यादा हो जाता हमारा, कुछ नहीं करना है, ए प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 15 कर देंगे और बराबर कर देंगे, 50 से कट गया कितना बार में, 2 बार में, 15 × 30 और 15 चला गया, ए की वैल्यू कितनी होगी, 15, दैट्स इट, कितना आसान है। ठीक है, बस ध्यान में एक ही चीज रखो कि अगर मान लो यही सवाल तुम कर रहे हो और इसी को लंबा चौड़ा ले जाके कर रहे हो, इक्वेशन बना के कर रहे हो, 2 लाइन का मान रहे हैं कि ये सवाल विद इन 30 सेकंड का, लेकिन मैंने 10 सेकंड में बता दिया, 20 सेकंड तो तुमने बचा लिया ना, एक क्या गुना हो जाता है 20 सेकंड में, ठीक है 2 गुना हो जाता है 20 सेकंड में, तो टाइम का इंपॉर्टेंस समझो, पीटी में टाइम तुम्हारा बहुत कम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक देखे तो सेशन अच्छा लगा होगा, इसी तरीके का छोटा छोटा सेशन, ज्यादा बड़ा बड़ा सेशन नहीं, ताकि बोर भी ना हो आप। ठीक है, ज्यादा लॉकडाउन है तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी ज्यादा देर तक पढ़ने का मन भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है
और अच्छे से पढ़ना है ताकि आप जो है लॉकडाउन खत्म होने के बाद अच्छे से अपने एग्जामों को दे सकें, ठीक है। क्योंकि सारे लोग जितने भी एस्पिरेंट सीएस एस्पिरेंट हैं वो सारे लोग पढ़ रहे हैं और आपको भी यही करना है, ठीक है। तो जहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना और शेयर करते हुए जाना अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।